नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। दुनिया भर में जिस कोरोना वायरस से दहशत का माहौल है, उसी कोरोना पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके ओम प्रकाश राजभर गजब बयान दे दिया है। पहले तो उन्होंने भारत में कोरोना वायरस को अफवाह और बकवास बताया, फिर कह दिया कि मुद्दे से भटकाने के लिए कोरोना का माहौल बनाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने भारत से कोरोना वायरस खत्म होने की डेडलाइन तय कर दी। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दिन भी बता दिया कि भारत से कोरोना वायरस कब खत्म होगा। सिर्फ अपवाद है, बकवास है। देखिएगा, आज सोमवार है ना, आज सोमवार है, आप देखिएगा अगला रविवार आते आते कोरोना खत्म हो जाएगा। खाली अफवाह फैला रहे हैं ये सब, खाली बस दिमाग भटकाने के लिए कि शिक्षा पे ध्यान न जाए, महंगाई पे ध्यान न जाए, बेरोजगारी के लिए नौजवान रोजगार न मांगने के लिए सड़क पर आ जाए। जिस जब अंगड़ाई ले रहा है तब कोई ना कोई किरोना पकड़ के ले आ रहे हैं सब। तो 3 दिन में कैसे खत्म हो जाएगा? अब देखिएगा ना, हम कह रहे हैं ना, अभी कोई डॉक्टर नहीं बता पाएगा, लेकिन 3 दिन नहीं, रविवार तक, आज सोमवार है ना, रविवार तक सब ही कोरोना खत्म। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पुरानी परंपराओं को निभाया जाए, हाथ जोड़ करके एक दूसरे का अभिवादन किया जाए, क्या लगता है? तो उनको कौन मना कर रहा है? उनको कोई मना तो कर नहीं रहा है। कहाँ गया उनका गोमूत्र, कहाँ गए उनके रामदेव, कहाँ गया गोबर? ये कोरोना क्यों नहीं उसी में समेट देते? ये पिला दें सभी को गोमूत्र, खुद पहले ये लोग पी लें, नेता लोग जिनको सबसे ज़्यादा डर है। हम लोगों को तो डर नहीं है भैया कोरोना से। देखिए ऐसा है ना, हजारों साल से होली मिलन समारोह हो रहा है, लेकिन उसके बाद हर साल हजारों लोग कत्लेआम हो रहे हैं। कहाँ भाईचारा का, मिलत का संदेश हो रहा है? कहाँ कोई काम बंद है? सब नेता कमरे में बैठ करके होली मिलन करके दारू मुर्गा काट रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कहाँ बंद है कोई? कोरोना पर ज्ञान देने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि आज रुपया गिर रहा है तो बीजेपी वालों को प्रधानमंत्री की उम्र नहीं दिखाई दे रही, महंगाई भी चरम पर है, कोरोना से बीजेपी से सबसे ज्यादा खतरा है। कोरोना से ज्यादा खतरनाक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जितना कोरोना से डर नहीं है, उससे ज़्यादा डर इस देश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को भारतीय जनता पार्टी से है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद करने में लगी है। जब मुख्यमंत्री थे देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात के, तो यही कहते थे कि देश का रुपया गिर रहा है, नेपाल का नहीं गिर रहा है, पाकिस्तान का नहीं गिर रहा है, बांग्लादेश का नहीं गिर रहा है, भारत का रुपया क्यों गिर रहा है? ये देश प्रधानमंत्री से सवाल, तब मनमोहन जी से वो सवाल पूछते थे। आज देश का रुपया गिर रहा है तो प्रधानमंत्री जी नहीं याद आ रहा है। महंगाई चरम सीमा पर हो गई, प्याज 200 रुपया किलो बेचवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, गैस सिलेंडर 340 रुपये से बढ़ा करके आज 900 रुपये कर दिया। ये किसी को, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखाई दे रहा है। आज के तारीख में जो यूरिया खाद थी 2014 के पहले 200 रुपये में 50 किलो मिलती थी, उसमें से भी 5 किलो कम करा दिया और 280 रुपये करा दिया। डाई जो 760 रुपये में 50 किलो मिलती थी, उसमें से भी 5 किलो कम करा दिया और 1260 में बेचवा रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। RBI से 1,76,00,000 रुपया इन्होंने निकाल लिया। प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं कि देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर अलायंस बेचने की तैयारी हो रही है, कोई मिल नहीं रहा खरीदने वाला, बैंक बेच दिया, LIC बेचने जा बेच दिया, 28 विभाग बेच दिया। तो सबसे बड़ा खतरा तो भारतीय जनता पार्टी से, कोरोना से तो कम है। भारतीय जनता पार्टी की देन है, तमाम वीडियो सामने आए, दिल्ली में एक दिन में 50 लोग मर गए, लेकिन दिल्ली के विषय में किसी ने चर्चा नहीं किया। दिल्ली पे कोई सफाई नहीं, जो अपराधी है उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा देके भाजपा चला रही है, अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं, अपराधियों पे कोई अंकुश नहीं है। थाने में दरोगा पीटा जा रहा है, अधिकारी पीटे जा रहे हैं, आम आदमी की बात क्या किया जाए? पूर्व कैबिनेट मंत्री OP राजभर ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के नए पार्टी ऐलान पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर तो हमारे मोर्चे के साथ है, हम सब मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेंगे।
देखिए, दिसंबर महीने में हमने 7 दिसंबर को भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया, जिसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, माननीय प्रेमचंद प्रजापति, माननीय बाबूराम पाल, माननीय केवट रामधनी बिंद, माननीय रामकरण कश्यप और मैं 7 लोग मिल करके हम लोग एक मोर्चा बना के बलिया, कुशीनगर, गाजीपुर, कल हम लोग इलाहाबाद रैली किए। हमारी मुलाकात इस मोर्चे को आगे और लोगों को शामिल करने के लिए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि पार्टी का हम ऐलान कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक साथ चलेंगे। और इसके अलावा भी और हमारा प्रयास हो रहा है कि जैसे तौकीर रजा जी हैं, ओवैसी जी हैं और जितने लोग हैं, हम सबको साथ लेकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा 403 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। बता दें, योगी सरकार में मंत्री पद संभालने वाले ओपी राजभर ने सरकार के खिलाफ ही लगातार बयानबाजी की, जिसकी वजह से उन्हें सरकार से बर्खास्त कर दिया गया था। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही सीएम योगी ने पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांग, जन कल्याण मंत्रालय संभालने वाले राजभर को सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।